हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लासेस। नाउ टुडे वी विल स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 11, दैट इज पेरीमीटर एंड एरिया। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट दी पेरीमीटर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया एरिया ऑफ बिटवीन टू रेक्टेंगल्स एंड एरिया ऑफ सर्कल। सो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। इन क्लास सिक्स वी हैव लर्न अबाउट पेरीमीटर। हमने क्लास सिक्स में पेरीमीटर के बारे में डिस्कस किया या पढ़ा होगा। तो स्टूडेंट्स, इन दिस क्लास वी हैव टू डिस्कस अबाउट द एरिया ऑफ एरिया, दैट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, ट्राइंगल, एरिया बिटवीन टू रेक्टेंगल्स, एरिया ऑफ स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, लेट स्टार्ट विथ इट। फर्स्ट वन इज दैट इज पैरीमीटर। लेट अस कंसिडर द प्लेन फिगर गिवन इन द प्लेन फिगर इज गिवन इन 11.1। दीज फिगर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग अ वायर और अ स्ट्रिंग। ये कैसे फॉर्म हुए हैं? बाय फोल्डिंग अ वायर और स्ट्रिंग। इफ वी स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट, मूव अलोंग द लाइन सेगमेंट्स टू रीच अगेन एट द सेम पॉइंट। तो इधर तक मूव करने के लिए हम वापस कहाँ तक? रीच अगेन एट द सेम पॉइंट। वी हैव मेड अ कंप्लीट राउंड ऑफ द प्लेन फिगर। द डिस्टेंस कवर्ड इज द लेंथ ऑफ वायर यूज टू मेक द फिगर। दिस डिस्टेंस इज नोन एज पैरामीटर ऑफ क्लोज्ड फिगर। जो पैरामीटर है वो हमेशा क्लोज्ड फिगर का ही फाइंड आउट होता है। नाउ पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, हमने अंडरस्टैंड किया था पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ क्या होती है? हाइट होती है। लेंथ और ब्रेथ ऐड होती है। ऐड होने के बाद जो आंसर आता है उसको 2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों करते है? क्योंकि रेक्टेंगल के अंदर 2 लेंथ इक्वल होती है और 2 ब्रेथ इक्वल होती है, राइट? द पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज द सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल इट्स साइड्स। द ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। अभी मैंने ये बताया जो ऑपोजिट लेंथ होती है और ब्रेथ होती है दोनों इक्वल होती है। नाउ राइट, तो ये बन जाता है 2 इंटू एल प्लस ब्रेथ। पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होती है? ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। कितनी होती है स्क्वायर की साइड्स? दैट इज 4 साइड्स, राइट? तो ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, बी सी इज इक्वल्स टू सी डी एंड सी डी इज इक्वल्स टू डी ए। नेक्स्ट पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल कितना, क्या होता है पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल? दैट इज 3 साइड्स। सारी इक्वल होती है। ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, बी सी इज इक्वल्स टू सी ए। और तीनों साइड्स को हम ऐड भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। और हम इसको द साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर इक्वल। जो इक्विलेटरल की तीनों साइड्स होती है दे बोथ आर इक्वल। थस पैरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल एल प्लस एल प्लस एल इट विल बी 3L। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल 2 ऑफ इट साइड्स आर इक्वल। और आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होती है? ट्राइंगल की 2 साइड्स इक्वल होती है पर थर्ड साइड नहीं होती, उसे हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। 2 साइड्स इक्वल हम बोलते हैं ए प्लस 2B। नेक्स्ट अ पॉलीगन इज ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल, लेंथ एंड इट्स ऑल एंगल्स आर ऑफ इक्वल मेजर। दस द पैरामीटर ऑफ रेगुलर एन साइडेड पॉलीगन, तो क्या होगा? एन इंटू लेंथ ऑफ अ साइड। लेट ए बी द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ पॉलीगन, देन द पैरामीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन, पेंटागन में कितनी साइड होती है? 5, राइट? तो ये हो गया 5A। हेक्सागन की 6, दैट इज 6A। हेप्टागन की 7, दैट इज 7A। ऑक्टागन की 8A और नोनागन की 9A, राइट? तो दिस इज द सॉल्व एग्जाम्पल्स, दैट इज योर होमवर्क। हम चलते अब हमारी एक्सरसाइज के टूवर्ड्स। तो हमने अभी पिन पॉइंट्स क्या क्या डिस्कस किए। पैरामीटर ऑफ क्लोज फिगर इज द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द फिगर। पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस ब्रेथ। पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर दैट इज 4 इंटू साइड। पैरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल दैट इज 3 इंटू लेंथ ऑफ इट साइड्स। पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज द सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स।
और पेरीमीटर ऑफ पॉलीगन इज द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द पॉलीगन विद द नंबर ऑफ साइड। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 11.1। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो अब हमें क्या करना है, ये जो फिगर है इन सबकी जो लेंथ है उनको ऐड करना है। तो हम पहले लिखेंगे 3 सेंटीमीटर, देन 6 सेंटीमीटर, देन 4 सेंटीमीटर, देन 2 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट 6 + 4 क्या हो गया 10, 10 + 3 = 13 एंड 13 + 2 तो ये हो गया 15, 15 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया है, इसमें सारी लेंथ को ऐड कर दिया है, राइट। अब हम चलते हैं हमारे सेकेंड पार्ट पे, दैट इज अगेन अब हम इन सबको ऐड करेंगे। तो ये हो जाएगा 50 मीटर + 150 मीटर + 50 मीटर, अगेन 50 मीटर, देन अगेन 50 मीटर, देन अगेन 150 मीटर, देन 50 मीटर, देन अगेन 50 मीटर, देन अगेन वन मोर टाइम 50 मीटर। हम काउंट कर लेते 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो हमारे भी 8 होने चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 150 स्टार्टिंग कहाँ से की हमने, 50, देन 50, तो हमने एक एक्स्ट्रा लिख दिया है। नाउ 50, 50, 50, 50, 50, 150, 150 + 150, इट विल बी 300। देन अगेन 150, 50, 50, 50, तो ये टोटल कितना हो गया स्टूडेंट्स, दैट इज 600 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट यू कैन टेक, एंड थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट इज योर होमवर्क। कुछ नहीं करना है, सारी साइड्स को आपको क्या करना है, प्लस करना है। देखो 150, 50, 50, 150, तो 150 हो गया ये, फिर अगेन 150, देन अगेन 150, फिर 50, 50, 50, 150, तो ये कितना हो गया 0, 5 और 5, 10, देन 15 और 20, तो 2, 3, 4, 5, 6, तो ये आ गया 600 मीटर, राइट। एंड थर्ड एंड फोर्थ पार्ट इज योर होमवर्क। तो चलते अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल दैट इज ए बी सी डी गिवन दैट। तो अब हमें ए बी गिवन और बी सी गिवन है, तो क्या होता है हमारा फॉर्मूला, दैट इज 2 × L + breadth। तो मैं इसका क्वेश्चन आपको यहाँ कर देती हूँ, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो फर्स्ट क्या गिवन हमें, ए डी इज इक्वल्स टू, ए बी इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, राइट। यही है हमें, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है स्टूडेंट्स, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 × L + breadth, राइट। तो 2 × लेंथ कितनी है 13 सेंटीमीटर + 8 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 2 × 8, 9, 10, 11 and 2, तो ये हो गया 21। तो 21 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2, 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 4, तो हमारा आंसर हो गया 42 सेंटीमीटर। फिर हम चलते हैं सेकेंड पार्ट पे, जो है हमारा ए डी इज इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर, ए डी इज इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर, देन नेक्स्ट वन इज सी डी, सी डी इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। अगेन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा हमारा, दैट इज 2 × L + breadth, तो लेंथ कितनी हमारी 4.5 एंड ब्रेथ इज 9 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, 4.5 और 9 को ऐड करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा 27, राइट। 27 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 × 27,
तो 27 मल्टीप्लाइड बाय 2, 7 टू जा 14, 2 टू जा 4 एंड 1 5, दैट इज 54 सेंटीमीटर। इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट यू कैन टेक, देन थर्ड एंड फोर्थ पार्ट इज योर होमवर्क। जो थर्ड और फोर्थ पार्ट है वो आपका होमवर्क है। ओके स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू योर सेल्फ। मैंने आपको टू पार्ट्स बता दिए हैं। वेट अ मिनट स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स 4.5 तो 9, एक मिनट, 9 4.5 तो ये क्या हो गया 5, 9 और 4 13, तो ये हो गया 13.5। को हम मल्टी, वेट अ मिनट, ये हो गया 9 प्लस 4, हाँ 13.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 टू जा 10, 3 टू जा 6 एंड 7 एंड 2, तब ये आया 27 सेंटीमीटर। डू करेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूव टू द नेक्स्ट अगेन। नाउ थर्ड एंड फोर्थ पार्ट इज योर होमवर्क। नेक्स्ट दैट इज फाइंड द पैरामीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विथ साइड्स। इक्विलेटरल की ट्राइंगल की साइड्स क्या होती है? पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल दैट इज 3 इंटू साइड, राइट? तो हमें गिवन है 12, 12 थ्री इज 36 सेंटीमीटर, राइट? एंड सेकेंड एंड थर्ड इज योर होमवर्क। नेक्स्ट फाइंड द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर विथ वन साइड। हमें साइड्स गिवन है, तो क्वेश्चन नंबर 4, पैरामीटर, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स? दैट इज 4 इंटू साइड। तो हमारी 4 इंटू 12, 4 इज 48 सेंटीमीटर। नाउ थर्ड पार्ट दैट इज 9 मीटर, तो क्या हो जाएगा? पैरीमीटर, पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर दैट इज 4 इंटू साइड, तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 9, 9 4 इज 36 मीटर। एंड सेकेंड एंड फोर्थ इज योर होमवर्क। If you want to take screenshot, you can take. Then we will move to the next. That is the fifth question. That is the fifth question. I hope ये आपको समझ आ रहा होगा. Okay students, now move to the next. That is the fifth question. The perimeter of a rectangle is equals to that of the side square with side 13 meter. If the length of a rectangle is 16, find its breadth. So students, perimeter of rectangle jo hai, square ki side given hai aur rectangle ki length given hai, hame breadth फाइंड करनी है। तो लेट्स स्टार्ट। दैट इज क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, राइट? तो हमें क्या गिवन है? स्क्वायर की साइड। तो स्टूडेंट्स, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? दैट इज 4 इंटू साइड। साइड हमें गिवन है, दैट इज 13 सेंटीमीटर।
तो 4 into 13 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, दैट इज 52, सॉरी ये मीटर में है तो ये भी हो जाएगा मीटर। तो हमारा क्या निकल गया, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट हो गया। अब हम करेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, दैट इज 2 into L+ ब्रेथ। ब्रेथ हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, और लेंथ हमें कितनी गिवन है, दैट इज 16 मीटर, राइट। तो हम यहाँ लिखेंगे लेंथ इज इक्वल्स टू 16 मीटर प्लस ब्रेथ, क्योंकि हमें ब्रेथ 16 मीटर हमें गिवन है, हमें ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। तो हमने अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला फुट कर दिया है, राइट नाउ। तो स्टूडेंट्स हमें पेरीमीटर, अब ये जो 52 आया है ये क्या हो गया, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो हम इधर लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, राइट। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, दैट इज 52/2 इज इक्वल्स टू 16 m+b। जो ये 52 था वो यहाँ आ गया और ये 2 इसके नीचे शिफ्ट हो गया और ये बच गया 16 m+b जो ऑलरेडी ब्रैकेट में है। तो अब हम इसको कट करेंगे तो ये आएगा 52/2 को जब कट करेंगे, 2 2 4 and 6, तो ये क्या आ गया 26 मीटर इज इक्वल्स टू 16 m+b। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, बी, तो बी इक्वल्स टू 26 - 16, तो बी क्या आ गया 26 - 16, तो ये हो गया स्टूडेंट्स 10 मीटर। तो ये हो गया हमारा ब्रेथ का, हमने ब्रेथ को फाइंड आउट कर लिया। नाउ इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट यू कैन टेक, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 6th क्वेश्चन। फिर हम चलते हमारे 6th क्वेश्चन की ओर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 4 टाइम इट्स ब्रेथ। इफ द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 5.5 मीटर, देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर, तो हम पहले एक बार हमारा फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। तो स्टूडेंट्स ये हमारा रेक्टेंगल है एक्स एंड 4x, तो क्या हो गया लेंथ इज इक्वल्स टू 4 into ब्रेथ, तो एक्स इक्वल्स टू 4 into, ये क्या गिवन है हमें 5.5, ये ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल है तो 5.5, राइट। तो एक्स इक्वल्स टू, इसको जब मल्टीप्लाई किया तो 22.0 मीटर, राइट। देन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 2 into L+ ब्रेथ। तो स्टूडेंट्स हमें एक गिवन है, लेंथ हमें मिल चुकी है, दैट इज 2 into 22 + 5.5, तो जब हम इसको ऐड करेंगे हमारा आंसर आएगा 27.5। अब 27.5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5 2 10, 7 2 14 and 1 15, 2 2 4 and 5। तो यहाँ पे डॉट पॉइंट लगेगा, दैट इज 55, ये किस में था, मीटर में। तो ये भी क्या हो जाएगा, मीटर में। इफ यू वांट टू टेक स्क्रीन शॉट यू कैन टेक, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। फिर हम हमारे क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7,
Now, question number 7, that is Subodh. Subodh has a rectangular garden. Subodh ke paas ek rectangular garden hai that is 48 meter long and 36 meter wide. How much fencing will be needed to enclose the garden? If fencing cost rupees 55 meter, then how much amount will he pay for it? तो सुबोध के पास एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी लेंथ और ब्रेथ हमें गिवन है, पेरिमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 × L+ breadth, बट हम फिर इसकी फेंसिंग को भी फाइंड आउट करना है जो पर की कॉस्ट है 55 पर मीटर. तो लेट स्टार्ट अगेन. यू हैव टू लीव वन लाइन, देन यू हैव टू स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7, राइट. तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 × L+ breadth. तो 2 × लेंथ कितनी हमारी, लेंथ है 48 मीटर प्लस 36 मीटर. तो हम ऐड करते हैं दोनों को, 48 और 36, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, दैट इज 84. तो 84 मीटर को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से. तो 84 मल्टीप्लाइड बाय 2, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16. तो हमारा क्या आ गया, 168 मीटर. बट हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, वी हैव टू फेंसिंग ऑफ 1 meter कॉस्ट रुपीज 55 पर मीटर. तो अब हम क्या करेंगे, 55 को मल्टीप्लाई करेंगे 168 से. तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर क्या आएगा, रुपीज 9,240, राइट. इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट यू कैन टेक. Then we will move to the next question, that is question number 8. Okay students, now question number 8. Kya hai? Find the side of square whose perimeter is 92. It's very easy question, so this question is your homework. Now move to the 9th question. How much distance a man covered in going 3 times around a square field of side 35 meter? तो man कितना distance cover करेगा 3 times जब वो square field के अंदर घूम रहा था, side है 35 meter. Again you have to leave one line, then you have to start next one, that is question number 9. तो स्टूडेंट्स आप क्वेश्चंस कैसे लिखेंगे, डैश डैश करके, हाउ मच दैट इज 35 मीटर, सारे क्वेश्चंस में ऐसे ही करना है, हाउ मच डैश 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 35 मीटर, देन वी विल डू द सॉल्यूशन, राइट. तो हम सॉल्यूशन करेंगे, साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड दैट इज 35 मीटर हमें गिवेन है, राइट. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दैट इज 4 × साइड. तो साइड हमें गिवेन है, तो 4 × 35, तो 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 4 = 20, 4 × 4 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 13 = 14. तो आंसर क्या आ गया, 140 मीटर. तो इससे हमारा क्या फाइंड आउट हो गया, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. उसने क्या बोला, 3 times उसने चक्कर लगाए थे, राउंड लगाए थे, अराउंड स्क्वायर फील्ड. तो क्या हो जाएगा, 3 × 140 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 4 × 3 = 12, 3 × 1 = 3 and 4. That is 420, right? क्या है meters में. Now if you want to take a screenshot, you can take. तो हम यहाँ लिखेंगे answer में हमारे, that is
आंसर दैट इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय मैन दैट इज 420 मीटर. ओके स्टूडेंट्स, इफ यू वांट टू टेक स्क्रीन शॉट यू कैन टेक. देन वी विल मूव टू दी नेक्स्ट दैट इज 10th क्वेश्चन एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. फिर हम हमारी दूसरी एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूव टू द नेक्स्ट दैट इज द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम की हमें एडजेसेंट साइड्स गिवन है रेशियो में, दैट इज 17:2 रेशियो. तो इफ द सेकेंड मेजर्स 4 सेंटीमीटर तो हमें फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम. अगेन यू हैव टू लीव वन लाइन. Then you have to start last question. That is question number 10. Kya hai the measure? The measures parallelogram. अब हम करेंगे इसका solution. उससे पहले हम बनाएंगे figure. ये है हमारा parallelogram. A B सी डी जिसकी हमें साइड्स गिवन है. ये हो गया हमारा एक्स राइट और ये हमारी हो गई 4 सेंटीमीटर एंड दिस इज ऑल्सो 4 सेंटीमीटर और ये हो गई अगेन एक्स राइट. अब हम पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम, पेरीमीटर स्टूडेंट्स, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम भी क्या होता है, 2l प्लस ब्रेथ तो हमें गिवन है. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम ये फाइंड आउट करेंगे. दैट इज हम पहले एक बार क्वेश्चन को रेड आउट करते हैं. दैट इज 17:2 रेशियो को फाइंड करेंगे, फिर हम फाइंड करेंगे पेरीमीटर ऑफ क्या, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम. तो 17:8 का क्या है हमारे पास, रेशियो है, रेशियो. तो हम पहले ये फाइंड करेंगे 17 अपॉन ए एक्स इज एक्स अपॉन 4, 4 हमें गिवन है राइट. तो ये क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू 17:4 क्रॉस मल्टीप्लाई और नीचे 8, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये कट हो जाएगा. 17:4 / 8, 4 बन जा 4, 4 टू जा 8, तो x क्या हो गया हमारा, x हो गया हमारा 17/2. अब हम डिवाइड करेंगे 17 को 2 से, तो क्या होता है 7 2 जा 8 2 जा 16, तो रिमेनिंग 1.0, तो 5 2 जा 10, तो आंसर क्या आया हमारा, x हमारा आंसर आया 8.5. तो हमारी x की वैल्यू क्या आई, 8.5. अब हम यूज करेंगे पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम दैट इज 2 × l l + b. तो अब हमारा क्या निकल चुका है, 2 × दैट इज 8.5 + 4, तो 8.5 + 4.0 दैट इज 5 or 12, तो ये हो जाएगा 112.5. तो अब 12.5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 5 2 जा 10, 4 2 2 जा 4 and 1 5 and 2, तो ये क्या आ गया हमारा, दैट इज 25. डेसिमल जीरो का कोई मतलब नहीं है. तो हमारा क्या फाइंड आउट हो गया, ये 25 सेंटीमीटर. और ये सारा क्या है हमारा, रफ वर्क है. इफ़ यू वॉन्ट टू टेक स्क्रीन शॉट यू कैन टेक. एक्सरसाइज 11.1 इज कम्प्लीटेड.
Then we will start from the next topic that is circumference of a circle. Perimeter हमने पूरा discuss कर लिया, अब हम करेंगे circumference of a circle. Now we will discuss about the circumference of a circle. चलिए अब हम चलते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल. नेक्स्ट, वी नो दैट सर्कल इज ए पाथ ऑफ ऑल पॉइंट्स दैट आर द इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन अ गिवन प्लेन और अ सरफेस. वी ऑल्सो नो हाउ टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ पॉलीगन. The perimeter of a circle, it's called it circumference. Perimeter of circle को हम क्या कहते हैं? It's called circumference. We draw three circle of different radii. हमने three circle को draw किया है different radii में. Using a thread, we measure the circumference. तो हम with the help of thread, we measure the circumference of three circle. You can see figure 11.7. Using the ruler. मेजर दी डायामीटर्स. तो डायामीटर्स क्या होती है स्टूडेंट्स? जो सेंटर में से पास होती है हम उसे कहते हैं डायामीटर. और रेडियस क्या होती है? उसकी हाफ होती है. रिमेंबर दैट डायामीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल. जो चौड़ होती है वो सबसे लॉन्गेस्ट होती है सर्कल की. और डायामीटर इज इक्वल्स टू टू रेडियस. डायामीटर रेडियस का हाफ होता है, राइट? ये तो फुल है और रेडियस क्या होगी? इसकी हाफ होगी, राइट? ये रेडियस होती है और दो रेडियस मिलके एक डायामीटर फॉर्म होती है, राइट स्टूडेंट्स? नाउ इन ईच केस डिवाइड द सर्कमफेरेंस बाय द डायामीटर. टेबुलेट द डेटा इन 11.1. तो स्टूडेंट्स इन ऑल केस वी ऑब्जर्व दैट द वैल्यू ऑफ सर्कमफेरेंस. ये टेबल आपकी होमवर्क है. जो डायामीटर है वो कांस्टेंट है. इट इज लिटिल मोर देन 3. इट हैज बीन फाउंड दैट द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट इन ऑलमोस्ट इक्वल टू 22/7. तो ये 22/7 क्या है? ये पाई की वैल्यू है. ये पाई का साइन है. और 22/7 को जब डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या निकलेगी? 3.142. तो ये क्या है? पाई की वैल्यू है. हम ऐसे भी लिख सकते हैं 22/7, और वी कैन राइट 3.142. तो रेट तो क्या होता है? सर्कमफेरेंस अपॉन डायामीटर इज इक्वल्स टू पाई. तो सर्कमफेरेंस अगर निकालना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे पाई इंटू डायामीटर को, राइट? तो ये बन जाएगा सी इक्वल्स टू 2πr. नेक्स्ट, एन इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट वॉज द फर्स्ट पर्सन वो गेव द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई. अगर आपसे पूछ लिया जाए अप्रोक्सीमेट वैल्यू पाई की किसने दी थी, दैट इज किसने दी थी? आर्यभट्ट ने दी थी. ही फाउंड दैट द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल व्होज डायमीटर इज 20,000 यूनिट्स इज 62,832. तो पाई की वैल्यू क्या होगी? 3.141 ये उसने दी थी. और एग्जैक्टली होती क्या है डिवाइड करने पे? 3.142. सो सॉल्व एग्जांपल इज योर होमवर्क. हम हमारी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं. उससे पहले हम पिन पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं. द पेरीमीटर ऑफ सर्कल किसको कहते हैं? इज नोन एज सर्कमफेरेंस. पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.142. द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस एंड डायामीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई. तो चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 11.2 को. तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज को. तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स?
दैट इज फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज, उसकी रेडियस क्या है, 22.1 सेंटीमीटर। तो अब हम हमारा फाइंड करते हैं फर्स्ट, तो चलिए अब हम हमारा फाइंड करते हैं। आई विल सॉल्व वन पार्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड पार्ट इज योर होमवर्क। चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.2। क्वेश्चन वन आपको बुक में से लिखना है, फर्स्ट पार्ट दैट इज 2.2.1 सेंटीमीटर। फाइंड आउट क्या करना है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। अभी बताया था सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, अभी बताया था ये रहा 2πr, यही होता है, ये अभी डिस्कस किया था हमने, राइट। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पाई। तो चलिए हम करते हैं हमारा क्वेश्चन, दैट इज 2πr। तो पाई की वैल्यू हमें पता है और आर हम गिवन है, तो हम निकालेंगे 2 × 22/7 एंड 2.1 सेंटीमीटर। अब हम इसे क्या करेंगे, कट करेंगे, राइट। तो हमारा आंसर क्या आएगा, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का, सरकमफेरेंस पहले हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा, दैट इज अगर मैं यहाँ से एक पॉइंट को रिमूव करूँगी तो ये हो जाएगा 10, तो ये होगा 7, 7 × 3 = 21। तो स्टूडेंट्स इसको मल्टीप्लाई करते 22 × 2 दैट इज 44 एंड 44 × 3 = 4, 4 × 2 = 4, 3 = 12, तो अगेन 12, तो 1 हो गया 13, तो 13 हो गया 132 को जब हम डिवाइड करेंगे 10 से तो हमारा आंसर क्या आएगा, दैट इज 13.2 सेंटीमीटर। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इज 13.2 सेंटीमीटर। इफ यू वॉन्ट टू टेक स्क्रीनशॉट यू कैन टेक, एंड सेकेंड एंड थर्ड पार्ट इज योर होमवर्क। चलिए सेकेंड और थर्ड पार्ट आपका होमवर्क है। अब हम चलते हैं फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल जिसकी डायामीटर हमको गिवन है। अब क्या गिवन है, डायामीटर। चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हमें डायामीटर्स गिवन है, तो हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, दैट इज सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पाई इंटू डायामीटर। तो पाई की वैल्यू हमें पता है, हम फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं हमारा, दैट इज 14 मीटर। अब हम क्या करेंगे, जो पाई की वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। तो 22/7 डायामीटर कितनी है, 14, 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, तो आंसर आ गया 44 मीटर, मीटर में है ना, मीटर। नाउ सेकेंड एंड थर्ड पार्ट इज योर होमवर्क। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल व्हिच सर्कमफेरेंस इज। अब हमें निकालनी है सर्कमफेरेंस, रेडियस इज गिवेन, रेडियस ऑफ अ सर्कल व्हिच सर्कमफेरेंस इज। तो अब हम निकालते हैं, पहले में हमने डायामीटर निकाला, अब हम निकालेंगे दैट इज सर्कमफेरेंस ऑफ, अब रेडियस निकालनी है हमको, क्या फाइंड आउट करनी है, रेडियस। इसमें हमको क्या फाइंड करना था, फर्स्ट में हमको फाइंड करना था सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, सेकेंड में हमने डायामीटर, अब रेडियस। रेडियस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रेडियस इज इक्वल्स टू सर्कमफेरेंस अपॉन सर्कम
circumference upon pi. तो फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, दैट इज 154 सेंटीमीटर, 154 सेंटीमीटर. तो अब हम फाइंड करते हैं रेडियस इज इक्वल्स टू सरकमफेरेंस क्या है 154, पाई की वैल्यू क्या है 22/7 है, क्या है 22/7. तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 154, ये 22 और जो 7 है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 था, 2 इन टू राइट, या फॉर्मूला क्या था 2 पाई. तो ये हो जाएगा 2 इंटू 22. तो 154 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4s are 28, 5 7s are 35, 36 and 37, 7 1s are 7, 8 9 10. तो ये हो जाएगा 1078/44. जब हम इसको डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारी रेडियस आएगी दैट इज 24.5 राइट. हम इसको जब डिवाइड करेंगे 7 4s are 28, 5 7s are 35, 36 and 37, 7 1s are 7, 8 9 10. 1078 divided by 44, then it will be 24.5 centimeter, right? And rest of the parts, that is second and third, is your homework. If you want to take a screenshot, you can take. Then we will move to the next question, that is fourth question. अभी हमने radius find की है. Next question में हम find करेंगे हमारी diameter. Next में हम हमारी find करेंगे diameter. Now move to the next question. Next, that is find the diameter of a circle whose circumference is. अब हम फाइंड करेंगे डायामीटर. नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ राइट. तो क्या हो जाएगा, डायामीटर इज इक्वल्स टू सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस अपॉन पाई. फर्स्ट पार्ट हमें क्या गिवन है, दैट इज 52 decimal 8, दैट इज सेंटीमीटर. तो स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा, दैट इज डायामीटर, डायामीटर इज इक्वल्स टू सरकमफेरेंस है 52.8, पाई की वैल्यू होती है 22/7 राइट. तो ये हो जाएगा 52.8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई ये 7 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 22. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 16.8 सेंटीमीटर. इफ़ यू वॉन्ट टू टेक स्क्रीन शॉट यू कैन टेक, एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट्स दैट इज सेकेंड एंड थर्ड इज योर होमवर्क. मैंने फर्स्ट टू फोर्थ आपको सारे 1-1 पार्ट करके दिखा दिए हैं. नाउ यू हैव टू फाइंड द सेकेंड एंड थर्ड. सो स्टूडेंट्स फर्स्ट में हमको सरकमफेरेंस फाइंड करना था, सेकेंड में सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल व्हिच डायामीटर इज, थर्ड में फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल, फाइंड द डायामीटर ऑफ अ सर्कल. तो अब हम चलते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन की ओर. चलिए, अ वायर ऑफ अ लेंथ दैट इज 300 सेंटीमीटर इज बेंड टू फॉर्म अ सर्कल. हमें क्या फाइंड करनी है, फाइंड द डायामीटर ऑफ द सर्कल. सो फॉर्म अगेन you have to leave one line, then you have to start next question, that is fifth question. I repeat it again, a wire of a length that is 300 centimeter is bent to form a circle. Humme find karni diameter of the circle so formed, right? To hum sabse pehle likhenge diameter of circle. क्या है हमारी डायामीटर ऑफ सर्कल, दैट इज
circumference upon pi, राइट। तो हमें सरकमफेरेंस गिवन है, डायमीटर ऑफ अ सर्कल, डायमीटर ऑफ सर्कल दैट इज सरकमफेरेंस क्या गिवन है, दैट इज 308 अपॉन 22 अपॉन 7। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, दैट इज 308 ये 7 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और अपॉन में 22। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा दैट इज 98 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे डायामीटर ऑफ सर्कल इज 98 सेंटीमीटर। इफ यू वॉन्ट टू टेक स्क्रीनशॉट यू कैन टेक। और क्वेश्चन कैसे लिखेंगे, अ वायर डैश 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 दैट इज फॉर्म। फिर हमने क्या किया है, सल्यूशन किया है। डायमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, सरकमफेरेंस अपॉन पाई, पाई क्या होता है 22 अपॉन 7। इफ यू वॉन्ट टू टेक स्क्रीन शॉट यू कैन टेक। नाउ मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। नाउ अ वायर इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल ऑफ द लेंथ 36 एंड द वेथ 30 सेंटीमीटर, इट इज रीशेप एंड बेंड इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। तो हमें रेडियस फाइंड करनी है। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 इज योर होमवर्क, आपको रेडियस फाइंड करनी है, राइट। जैसे हमने इसमें डायामीटर फाइंड की थी वैसे हमें रेडियस फाइंड करनी है, राइट स्टूडेंट्स। सो दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क। नाउ मूव टू द नेक्स्ट, पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, बस आपको इसमें फॉर्मूला लिखना है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल दैट इज 2πr, तो आप फाइंड कर लेना। नेक्स्ट, द व्हील ऑफ अ व्हीकल है 0.7 मीटर रेडियस है, हमें फाइंड करना है डिस्टेंस कवर बाय इट व्हेन इट्स हैड मेड 12,000 रिवॉल्यूशंस, राइट। अगेन यू हैव टू लीव वन लाइन देन यू हैव टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। द व्हील रिवॉल्यूशंस। तो अब हम इसका सल्यूशन करते हैं, चलिए, राइट। तो दैट इज, इस क्वेश्चन में हमको रेक्टेंगल बोला है ना कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 × L प्लस ब्रेथ, लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है आपको, ठीक है। लेंथ और ब्रेथ निकालने के बाद पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। तो पेरीमीटर लगने के बाद आपको ये फॉर्मूला यूज करना है 2πr का। अब हम सेवेंथ क्वेश्चन कर रहे हैं अभी, राइट। हमें रेडियस कितनी गिवन है, 0.7 मीटर इन रेडियस और रिवॉल्यूशन कितने हैं 12,000। तो चलिए अब हम हमारा सल्यूशन करते हैं। पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू 2πr, तो पाई की वैल्यू पता है, रेडियस की भी वैल्यू पता है। पेरीमीटर ऑफ सर्कल 2 × π की वैल्यू और r हमें गिवन है 0.7, राइट। तो ये इससे कट हो जाएगा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज 4.4 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल दैट इज 4.4 सेंटीमीटर। जब हम इसको कट करेंगे तो 7 से 7 कट, 22 × 2 44 डिवाइडेड बाय 10, तो आंसर आ जाएगा 4.4 सेंटीमीटर, राइट। तो अब हमें टोटल डिस्टेंस क्या बता रहा है, टोटल डिस्टेंस
सॉरी रिवॉल्यूशन लिखेंगे पहले, रिवोल्यूशंस टोटल 12,000, 12,000 राइट। तो हम लिखेंगे टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा 4.4 मल्टीप्लाइड बाय 12,000। तो जब हम 12,000 को 4.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 52,800 सेंटीमीटर। इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट यू कैन टेक, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज 8th क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स 8th क्वेश्चन, दैट इज अ सर्क्यूलर रोड रन्स अराउंड अ सर्क्यूलर गार्डन। एक सर्क्यूलर रोड थी, रन्स अराउंड अ सर्क्यूलर गार्डन। इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द आउटर सर्कल एंड द इनर सर्कल, आउटर सर्कल का 110 मीटर और इनर सर्कल का 88 मीटर, फाइंड द विथ ऑफ द रोड। अगेन यू हैव टू लीव वन लाइन, देन यू हैव टू स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज अ सर्क्यूलर डैश 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 दैट इज रोड। अब हम करेंगे इसका सॉल्यूशन, उससे पहले हम बनाएंगे हमारा फिगर। ये सर्कल और ये इनर सर्कल बन गया, तो ये हमारा आउटर सर्कल और इनर सर्कल। अब हम लिखेंगे यहाँ पे आउटर सर्कल कितना बोल रखा था, दैट इज 110 सेंटीमीटर और इनर 88 मीटर। तो इनर सर्कल 88 मीटर यही बोल रखा था, और ये क्या है हमारी रोड राइट। अब हम इसको फाइंड आउट करते हैं, पहले हम निकालेंगे आउटर का फिर इनर का। तो आउटर आउटर सर्कल सर्कल सरकम फेरेंस दैट इज 2πr, तो 2 × π है 22/7, रेडियस है 110 सेंटीमीटर राइट। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे 44 मल्टीप्लाइड बाय 110/7, तो हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर क्या आएगा, दैट इज ये हमारी निकल रही है रेडियाई राइट। तो ये 2πr, वेट अ मिनट, दैट इज आउटर सर्कल ऑफ सर्कमफेरेंस दैट इज 2πr। तो स्टूडेंट्स हमें आउटर सर्कल ऑफ सर्कमफेरेंस गिवन है, तो ये होगा 110 और ये हो जाएगा 2 × π × r। r हमको फाइंड आउट करना है राइट, ये तो आउटर सर्कल ऑफ सर्कमफेरेंस है। तो हम लिखेंगे 110 × 7/2 × 22, तो इससे हमारी r निकल जाएगी, तो r इक्वल्स टू 17.5 मीटर। तो ये हुई है आउटर रेडियस, हम लिख देते हैं आउटर रेडियस राइट, ये तो हो गया। नेक्स्ट अब हमें निकालना इनर सर्कल सर्कमफेरेंस, इनर सर्कल सर्कमफेरेंस दैट इज 2πr राइट। तो अब हमें इनर सर्कल का भी गिवन है दैट इज 88, तो सेम हम यही फाइंड करेंगे 2 × 22/r राइट।
तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेम इसी की तरह 88 इंटू 7, 2 इंटू 22, इससे हमारी निकल जाएगी आर। तो हमारा आंसर क्या आएगा, दैट इज 14 मीटर, 14 मीटर। ये क्या है, इनर रेडियस, इनर रेडियस। हमने कुछ नहीं किया है, आउटर सर्कल की सरकमफेरेंस थी, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल दैट इज 2 पाई आर। इससे हमने आउटर और इनर की रेडियस फाइंड कर ली है। अब हम करेंगे विथ ऑफ द रोड, क्या करेंगे, विथ ऑफ द रोड। विथ ऑफ द रोड क्या होता है स्टूडेंट्स, विथ ऑफ द रोड होता है आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस। तो मैं इसका सॉल्यूशन यहाँ पे कर रही हूँ, WIDTH विथ ऑफ रोड इज इक्वल्स टू इनर रेडियस माइनस आउटर, सॉरी आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस, आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस। तो स्टूडेंट्स आउटर हमने क्या फाइंड की थी, 17.5 माइनस 14। तो जब हम 17.5 को माइनस करेंगे 14 से, 17.5 14 तो ये 5, 7 माइनस 4 तो ये क्या हो जाएगा 3। तो आंसर क्या आ जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर। ये हमारी क्या फाइंड आउट हो गई है, विथ ऑफ दी रोड। हम यहाँ पे लिखेंगे विथ ऑफ दी रोड दैट इज 3.5 सेंटीमीटर। तो आपको सर्कल के साथ इसको ड्रॉ करना है। ओके स्टूडेंट्स, इफ यू वांट टू टेक ए स्क्रीनशॉट यू कैन टेक। एंड स्टूडेंट्स आज ही आपकी क्लास हुई है, आई होप आपको सब समझ आया होगा 60 मिनट्स में। एंड वन मोर थिंग दैट इज क्वेश्चन नंबर 9, अ रोड रोलर कवर्स दैट इज 11 किलोमीटर, इन कवरिंग द डिस्टेंस इट्स मेक्स 5000 रिवोल्यूशन, फाइंड द रेडियस ऑफ द रोलर। दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क, यू हैव टू डू योर सेल्फ। ये थोड़ा बहुत सिमिलर है 7 क्वेश्चंस, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। मैंने आपको 1 to 8 क्वेश्चंस करवाए हैं स्टूडेंट्स, सो 9th क्वेश्चन इज योर होमवर्क। इफ यू वॉन्ट टू टेक ए स्क्रीन शॉट ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 यू कैन टेक। एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, यू हैव टू राइट दी फॉर्मूलाज राइट। फिर हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे दैट इज एरिया। इसमें हमने क्या डिस्कस किया था, फर्स्ट दैट इज पैरामीटर ऑफ पैरामीटर, देन सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 × L+ breadth, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर दैट इज 4 × side, देन पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल दैट इज 3 × side, फिर हमने सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल्स दैट इज 2 पाई आर। ये सब हमने चैप्टर में डिस्कस किया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 दैट इज अ रोड रोलर कवर्स 11 किलोमीटर, इट कवरिंग दिस डिस्टेंस इट मेक्स 5000 रिवोल्यूशन, फाइंड द रेडियस ऑफ द रोलर। आपको क्या करना है, रेडियस फाइंड करना है। और फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड और थर्ड पार्ट आपका होमवर्क है, सेकंड में सेकंड और थर्ड पार्ट आपका होमवर्क है, थर्ड में सेकंड और थर्ड पार्ट होमवर्क है, और फोर्थ में सेकंड और थर्ड पार्ट आपका होमवर्क है, और 9th क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके स्टूडेंट्स, यू हैव टू कंप्लीट योर वर्क इन योर मैथ्स नोटबुक। इन आर नेक्स्ट वीडियो we will start with the next topic that is area। hum next class mein hamara kya topic start karenge, that is area, area of angle, area of square, area of triangle, area of parallelogram।
Now, that's all for today. Thank you, class.